आता हूँ। अच्छे अच्छे को ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इसमें दिक्कत आती है, यहाँ दिक्कत आता है डिफरेंशिएशन का, जो कमी है उसको आइडेंटिफाई करो। ये क्वेश्चन है कि टाइम और पोजीशन में रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है। अब आप देखो कि जो पोजीशन दिया हुआ है तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, पोजीशन से वेलोसिटी, टॉप से बॉटम आएंगे, ठीक है, टॉप से बॉटम आएंगे तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन में ही बच्चे गलती करते हैं, तो चलो हम इसको करके देखते हैं। कहता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन वेलोसिटी इज जीरो, तो सबसे पहले वेलोसिटी तो निकालो। चलो वेलोसिटी कैसे निकाला जाए इसका, ठीक है, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ये होता है, ठीक है। और अगर टाइम, ठीक है, तो इसका मतलब पहले x निकाल लूँ, तो t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस थ्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू t माइनस थ्री का स्क्वायर आ गया। ये है पोजीशन, इसको खोल भी सकते हो नहीं भी खोल सकते हो। कहता है डिस्प्लेसमेंट निकालो व्हेन वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो है उस वक्त हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमें ये पता ही नहीं है कि वेलोसिटी, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंडेंट है, समझना। अब हमें डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए जब वेलोसिटी जीरो हुआ। अगर आपको ये पूछता कि 2 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो टी की वैल्यू इसमें 2 रख देते आ जाता। 10 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट निकालो, टी की वैल्यू 10 रखते आ जाता। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता है कि वेलोसिटी जीरो कब हुई है, वो टाइम कौन सा है जब वेलोसिटी जीरो हुई है। तो पहले मुझे वो टाइम निकालना पड़ेगा जब वेलोसिटी जीरो हुई है, उसको लाके यहाँ रखूँगा, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले वो टाइम निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो वेलोसिटी बी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। इसको एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए मैं साइड में आपको बता देता हूँ, ये चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा कि अगर वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, बी एक्स की पावर एन है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो एन ए प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन, और साथ साथ अंदर भी ये वाला जो फंक्शन है अंदर, समझना, ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये भी डिफरेंशिएट होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये डिफरेंशिएशन का रूल है। एक बार तो चेन रूल इस पूरे पे लग जाएगा, पूरे पे लग जाएगा, ठीक है, पावर वाला रूल, तो ये आ गया। लेकिन अंदर जो है उसको भी तो एक बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, ये अगर ये वाला, ठीक है, तो ये अगर अब इसको ये वाली रूल अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ यार, तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 2 और t की पावर माइनस 3 और 2 की पावर माइनस 1 और dy dt किसका, t माइनस 3 का, तो t माइनस 3 का 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 t माइनस 3 इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट आ गई। अब मुझे पता ही नहीं कि वेलोसिटी जीरो कब हुई यार, तो वेलोसिटी जीरो कब हुई वो हम देख लेते हैं। तो वेलोसिटी हो गई जीरो उस वक्त 2t माइनस 3, ठीक है, 2t माइनस 3, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि t इज इक्वल टू 3/2 वो टाइम है जब वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, ठीक है। t क्या स्क्वायर है ना भाई, ठीक है, स्क्वायर ये t का स्क्वायर दिया हुआ है। चलो तो ये वो टाइम है जब वेलोसिटी हो गई है जीरो। अगर इस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो गई है तो पोजीशन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो इसको उठा के यहाँ रख दो, उसको उठा के यहाँ रख दो, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2 और माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे गलती हुआ लिटिल बिट, ये 6 आएगा ना यार, ये 6 आएगा, तो टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे, ये गलत कैलकुलेशन है, 6 और ये टाइम 3 सेकेंड आ गया। तो 3 सेकेंड अब जब यहाँ रखोगे 3 सेकेंड,
ठीक है। अब यहाँ पे जब हम 3 सेकंड रखेंगे यहाँ पे, तो कुल मिला के पोजिशन क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0। वो जो टाइम है जब वेलोसिटी 0 हुई है, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हो गई है, तो 3 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल मोशन करके अपने ही पोजीशन पे आ गया होगा, मतलब बी ऑप्शन सही है। 3 सेकंड बाद जहां से चला था वो वहीं पे आ गया है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। चलो,